बेटे और दूसरी पत्नी ने लिया विनोद खन्ना का अवार्ड। 65वां नेशनल फिल्म अवार्ड गुरुवार को दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान दिवंगत विनोद खन्ना को दादा साहिब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, वहीं श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। विनोद खन्ना का अवार्ड उनकी दूसरी पत्नी कविता खन्ना और बेटे अक्षय खन्ना ने रिसीव किया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनोद और उनकी फिल्मों को याद किया। विनोद खन्ना फिल्मों के अलावा राजनीति में भी सक्रिय थे। पिछले साल 27 अप्रैल को विनोद खन्ना का निधन हो गया था। श्रीदेवी का अवार्ड उनके पति बोनी कपूर और बेटी जानवी और खुशी ने लिया। इस मौके पर बोनी और बेटियां इमोशनल होते दिखाई दिए। साथ ही इस मौके पर जानवी ने अपनी मां श्रीदेवी की साड़ी पहनी थी। मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टा हैंडल पर इस बात की जानकारी शेयर की। AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। उन्हें ये अवार्ड फिल्म मॉम के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मिला। दिव्या दत्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सम्मान दिया। उन्हें ये सम्मान इरादा फिल्म के लिए मिला। वहीं अभिनेता पंकज त्रिपाठी को स्मृति ईरानी ने फिल्म न्यूटन के लिए फीचर फिल्म कैटेगरी में सम्मानित किया। भनीता दास को फिल्म विलेज रॉकस्टार्स के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया। बाहुबली को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का सम्मान भी दिया गया।